हरे कृष्णा, जय श्री राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्णा लव आर्ट। तो ये देखिए, आज हम ये इस तरीके की ड्रेस गोपाल जी के लिए आज की इस वीडियो में बनाएंगे। देखिए बहुत ही प्यारी सी ड्रेस है, बहुत ही खूबसूरत सा जंपसूट ये आज हम वीडियो में बनाएंगे। देखिए कितनी आसानी से आप इसको पहना सकते हैं। ये मैंने नीचे की साइड से पैंट पहना दी है और ऊपर की साइड से ये दोनों साइड से आप इसको हाथों में इस तरीके से डाल करके गोपाल जी को बहुत ही आसानी से पहना सकते हैं। और पहनाने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगती है। ये देखिए बहुत ही सुंदर सी पोशाक है। पीछे की साइड से आप ये डोरी को इस तरीके से करके हम बांध देंगे, तो बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है इसको बनाने का। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले गाइस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं पोशाक किस तरीके से बनाई है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कॉटन का फैब्रिक ले लिया है। इसकी 4 इंच मैंने यहाँ पर चौड़ाई रखी है और इसकी लेंथ यहाँ पर देखिए लगभग 8.5 इंच की मैंने इसकी लंबाई रखी है। इसकी मैंने डबल, ये देखिए डबल फैब्रिक मैंने ये ले रखा है। आपको भी डबल ही फैब्रिक यहाँ पर लेना होगा। इसको मैं ये देखिए बीच में से इसके 2 पीस करके मैंने ये कट कर दिए हैं। अब ये देखिए, इसको हम यहाँ पर इस तरीके से एक फोल्ड कर दिया हमने। एक फोल्ड करने के बाद इसको एक फोल्ड और करेंगे, बिल्कुल हल्का सा मार्जिन छोड़े के। जितना आप इसमें सिलाई लगाएंगे, सिलाई का मार्जिन छोड़ करके इसको एक फोल्ड और हमने कर दिया इधर से। देखिए फोल्ड करने के बाद इसको हम इधर की साइड से, जो हमारा बंद वाला एरिया है, क्लोज वाला एरिया, उधर की साइड से हम इसको नाप ले लेते हैं, इसको कट करेंगे। ये देखिए इधर से हमने, ये देखिए लगभग 2 इंच के पर हम यहाँ पर इसको मार्क कर देंगे। तो हल्का सा इसको, ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से 1/2 इंच के लगभग इसको हमने गोलाई शेप में दे दिया है। अब इसको यहाँ से हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए ये हिस्सा मैंने कट करके निकाल दिया इसका। इसको सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद इन दोनों फैब्रिक को हम अपोजिट साइड रखेंगे एक दूसरे के। इन दोनों को यहाँ पर हम, ये दोनों सीधी साइड हम यहाँ पर अंदर के साइड रखेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड हमें, स्लीव साइड हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए दोनों साइड मैंने सिलाई लगा दी है। इसमें हम यहाँ पर बीच में कटिंग कर देते हैं हल्की हल्की सी। देखिए हल्का हल्का कट लगा करके इसको पलट करके सीधा कर देते हैं। तो देखिए पलट करके इसको सीधा कर दिया है, अच्छे से इसमें फिनिशिंग आ गई है। अब इसमें देखिए मैंने पिंक कलर का फैब्रिक ले लिया है। ये भी कॉटन का फैब्रिक मैंने यहाँ पर यूज़ करी हूँ। इसकी हमें फ्रिल तैयार करनी है, तो फ्रिल बनाने के लिए यहाँ पर मैं इसको इधर से इस तरीके से हमें छोटी छोटी प्लेट्स, इस तरीके की प्लेट्स डालते हुए ऊपर की साइड हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो देखिए फ्रिल हमने बना करके रेडी कर ली है। अब इसके हम यहाँ पर इस साइड रख करके, इस तरीके से रख करके सिलाई लगा देंगे। तो देखिए सिलाई लगा दी है। इसको पलट करके नीचे की साइड इस तरीके से सीधा करके एक सिलाई इसके ऊपर की साइड लगा देंगे। यहाँ पर भी सिलाई लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर भी सिलाई लगा दी है हमने, इसको सीधा कर दिया। अब इसको हम, ये देखिए इधर की साइड से ये जो हमारे, ये इस तरीके से ये स्लीव साइड आ रही है, ये इन तीनों को एक साइड सिलाई लगा देंगे। ये एक साथ इसमें हमने सिलाई लगा दी है। अब इसमें हमने ये सेम फैब्रिक ले लिया है पिंक कलर का, कॉटन का। ये देखिए इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे और इसके यहाँ पर बैक साइड पर रख करके इसको अंदर की साइड लगाएंगे। इसको यहाँ अंदर की साइड रख करके सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद इसको बाहर की साइड इस तरीके से फोल्ड करेंगे।
और फोल्ड करने के साथ ही ये देखिए मैंने एक कॉटन के फैब्रिक की ही डोरी तैयार कर ली है। इसके अंदर की साइड इसको रखेंगे और इधर बाहर की साइड फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तो देखिए सिलाई मैंने लगा दी है, डोरी अंदर की साइड हमने यहाँ पर इसको सेट कर दिया है। देखिए ड्रेस इस तरीके से यहाँ पर इतना इसका लुक आएगा। अब इसमें हम ये देखिए इलास्टिक लेंगे और इलास्टिक को हम यहाँ पर अंदर के साइड रख कर के इसमें इधर से शुरू करेंगे और खींचते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इसमें इलास्टिक भी मैंने लगा करके रेडी कर दी है और इधर की साइड फोल्ड करके सिलाई लगा देते हैं। तो यहाँ भी मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसका सेंटर हम देख लेते हैं। नीचे की साइड इसमें हमें वी शेप में सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर ये देखिए सेंटर हम सिलाई से मैच करते हुए यहाँ तक वी शेप में सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए कटिंग करके निकाल देते हैं इसको। तो यहाँ से बीच से एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल करके कट करके निकाल दिया है। अब इसको पलट करके सीधा कर लेते हैं। तो देखिए पलट करके सीधा कर दिया इसको मैंने। और इस ड्रेस को भी मैंने आपको गोपाल जी के वीडियो के स्टार्टिंग में पहना करके दिखा दी है। ये देखिए बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी डिज़ाइन की ड्रेस आप इसको बहुत ही जल्दी से बना करके बहुत ही आसानी से तैयार कर लेंगे। देखिए तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके की ब्यूटीफुल ड्रेसेस और देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।